टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी के पहनावे पर कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सवाल खड़े किए। शमी ने हाल ही में अपनी पत्नी हसीन जहान के साथ फेसबुक पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करने के साथ ही वो विवादों में घिर गए हैं। ऐसे में शमी और उनकी पत्नी को अपनी ड्रेस के कारण लोगों के भद्दे कमेंट्स का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों ने शमी और उनकी पत्नी को धर्म का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि एक तरफ जहां कुछ लोग शमी और उनकी पत्नी पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे, उन पर भद्दे कमेंट्स कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग शमी के समर्थन में भी उतर आए। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी शमी का समर्थन किया। कैफ ने ट्वीट करते हुए लिखा, कमेंट्स बेहद ही शर्मनाक हैं। मैं मोहम्मद शमी का पूरा समर्थन करता हूँ। देश में इससे भी बड़े मुद्दे हैं। इस्लामिक धर्मगुरु उमर इलियासी ने मोहम्मद शमी की पत्नी के कपड़ों पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का लिबास ऐसा होना चाहिए जो कि शरीर की नुमाइश ना करे। उसको अगर हम देखते हैं और तो मुझे लगता है कि लिबास बेहतर वही है कि जो आपके शरीर को ढके, जो मतलब दूसरे के सर के लिए नुमाइश ना बने, इसका तो ख्याल हमेशा ही रखना चाहिए। चूँकि मर्यादा भी कोई चीज़ होती है, औरतों को ढक के वैसे रखना, औरतें उससे उनकी हिफाजत रहती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य शमीना शफीक ने मोहम्मद शमी की पत्नी के कपड़ों को लेकर हो रहे विवाद की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि वो क्या पहने क्या नहीं, ये उनका निजी फैसला है, ना कि किसी और का। मोहम्मद शमी की वाइफ को और उनको किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मगर सवाल ये उठता है कि ये कौन तय करेगा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और हाईली कंडेमेबल है, मगर इस बात को लेकर ज्यादा जो ऑपोजिशन होना चाहिए वो मर्दों से होना चाहिए। महिलाएं तो हर बार यही बात कहेंगी कि महिलाओं को आज़ादी होनी चाहिए कि वो क्या पहने क्या बोलें, कब आएं कब जाएं, मगर ये बात पुरुष कब समझेंगे इस देश के, और पुरुष कब कहना शुरू करेंगे कि महिलाओं को आज़ादी मिलनी चाहिए।